तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कल मैं आपके लिए लेके आई थी जू पार्ट वन, तो और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जू पार्ट टू। कल हमने यहाँ पर घड़ियाल और एलिगेटर देखा था, और आज हम उसके बाद के एनिमल्स देखेंगे। तो ये घड़ियाल और इसका पॉन्ड है, ये देखिए। और हम इसके आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर टर्टल्स नजर आएंगे, ये देखिए। ये सब को एक कांच का फ्रेम बनाया गया, उसके अंदर रखे गए हैं। ये जो आपको छोटे से पॉन्ड में दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, अभी इनका साइज काफी छोटा है। देखिए, तेज पूछ रहा है, ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वही थे वहां पर। और ये उनके छोटे छोटे से घर भी बनाए गए हैं, वो जो आपको साइड में दिख रहा है ब्राउन कलर के लाइट का, वो इन्हीं के लिए घर बनाए गए हैं। तेज वहीं पर ही रुके हुए थे। और ये आगे बढ़कर हमें ये मिलता है स्नेक हाउस। हालांकि मैं नहीं जा रही थी, लेकिन जीवितेश ने जिद करी कि नहीं, उन्हें देखना है स्नेक हाउस। यहाँ का कोई टिकट नहीं पड़ता है। देखिए, स्नेक से तो सभी को डर लगता है, इसलिए मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर बहुत टाइप के स्नेक हैं, जैसे किंग कोबरा, पाइथन, ड्रेसेल, बॉल पाइथन, कॉमन सैंड, रॉक पाइथन, वाइन स्नेक। देखिए, कुछ तो हमें वहां पर नजर ही नहीं आ रहे थे। हालांकि उनको गर्मी देने के लिए वहां पर हीटर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए कुछ लकड़ी के होल्स बनाए गए थे, उनके अंदर थोड़ी घास रख के और कंबल रख के। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ये आधा ये उसके अंदर ही को घुसा हुआ था अपने बिल में। ये किंग कोबरा है, वो देखिए उधर पे उसका मुंह नजर आ रहा है और इधर को उसकी पूंछ है, और ये काफी लंबा है। इनको गर्मी देने के लिए और छोटे छोटे हीटर भी रखे गए थे इनके पास। ये भारतीय कोबरा का है। देखिए, एक और स्नेक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो जो वहां पर कंबल रखा गया है वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। ये जो होल आपको रिंग टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ था, और बहुत मोटा स्नेक था वो, पाइथन। और यहाँ पर ये इनसे जब वो काट ले स्नेक, तो उनसे बचाने के सारे उपाय लिखे गए थे, जिन्हें जीवितेश और हितेश पढ़े। और ये आगे चलकर कुछ और स्नेक है, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको उतना दिख नहीं रहा होगा। ये बॉल पाइथन, ये देखिए, ये लकड़ी के ऊपर लेटा हुआ है। यहाँ पर एक स्नेक ऐसा था जिसका कलर बिल्कुल ग्रीन होता है, ग्रीन कलर की वहां पर घास भी लगाई गई है, और उसी में ये, और वो हमें भी नजर नहीं आया क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन होता है, और यहाँ पर जो घास रखी गई है वो भी ग्रीन है, तो वो हमें भी नहीं दिखा। उसका नाम होता है वाइन स्नेक। हम कोशिश कर रहे हैं कहीं तो हमें नजर आए, लेकिन वो लास्ट तक हमें नजर नहीं आया। अब हम उससे बाहर निकल के पहुंच गए हैं एक्वेटिक वर्ल्ड में, जहां आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो जू का असली मजा आएगा वो आपको यहीं आएगा। ये देखिए कितनी कलरफुल फिश है, इनका कलर ही इतना सुंदर है, ऑरेंज,
अब ये इससे अंदर को जाएंगे हम और यहाँ पूरे फिश टैंक बने हुए हैं। यहाँ भी बहुत टाइप की फिश हैं, जैगवार, रोहू, सिल्वर फिश, शार्क, गोल्डन फिश, पिराना, प्लैटिनम एंजल। ये देखिए जब आप देहरादून के जू आए और आप ये फिश को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एकदम व्हाइट कलर की है, देखिए ये देखिए वहां से लेके पूरे यहाँ तक अलग अलग टाइप की फिश रखी गई हैं। और ये जीवितेश हितेश यहाँ पर अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी साइज की भी फिश थी जिसे मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी वीडियो के। देखिए ये है जैगवार, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ऑरेंज, और ये इतनी भी क्वांटिटी में ज्यादा तो बहुत सुंदर लग रही थी। ये है सिल्वर शार्क और ये देखिए ये कितनी छोटी छोटी हैं। ये है पिराना, और देखिए ये कितनी सुंदर है प्लेटिनम एंजल। कैटफिश ये है प्लैटिनम एंजल, ये भी बहुत सुंदर थी एकदम व्हाइट कलर की और बहुत सारी क्वांटिटी में। एकदम व्हाइट से बाहर निकल चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं डियर पार्क। यहाँ बहुत सारे डियर हैं, तो बहुत ये देखिए इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है।
धूप होने की वजह से सारे बाहर निकले हुए थे, वरना ठंड के मौसम में ये अपने अपने जहाँ इनके घर बने होते हैं उसी के अंदर बैठे रहते हैं। और हम चले आगे की तरफ और यहाँ हम मिलेंगे लैपर्ड से, लेकिन लैपर्ड हमें कहीं नजर नहीं आया। बाड़ा तो लैपर्ड का ही है लेकिन वहाँ पर लैपर्ड था नहीं। तो अब हम चले घर की तरफ, जू से बाहर की तरफ को अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी एक छोटा सा पार्क है जो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल रही है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से। और ये घर की तरफ जाते हुए फिर जीवी हितेश और हितेश झूले में व्यस्त हो गए और काफी देर इन्होंने झूला झूला, क्योंकि इस समय काफी बच्चे वहां पर आ गए थे। मॉर्निंग के समय तो बच्चे कम थे तो ये निकलने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो बच्चे काफी आ चुके थे और फिर ये बहुत मुश्किल से झूला पार्क से बाहर आए। ये देखिए, ये हितेश किसी और बेबी के साथ झूला झूल रहे हैं। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। अगले दिन बाय बाय। Thank you.